अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 मेमोरी संग्रह करवाना, एकमो और डेटा निरूपण। ये चल रहा था हमारा, दो वीडियो अभी तक बन गए इस चैप्टर के। ये है पार्ट 3 इस चैप्टर का हमारा, ठीक है। तो अभी तक दो वीडियो में हमने क्या देखा उसको थोड़ा रिविजन करेंगे। तो ये चैप्टर जो है उसमें है कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है हमारी, उसको दो मेन पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके अंदर हमने SRAM, DRAM, PROM, EPROM और EEPROM ये देखे थे। और उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी मतलब गौण मेमोरी जिसको कहेंगे हम लोग, उसमें टोटल हमारे पास चार टॉपिक है, हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हार्ड डिस्क तक देख लिया कि हार्ड डिस्क जो है वो कैसे काम करती है, किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो कितना डेटा उसमें, डेटा कैपेसिटी कितनी होती है, और उसका मेन यूज़ क्या था। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या हो रहा था अभी तक, कि जब तक कंप्यूटर चालू है हमारा, जब तक सिस्टम चालू है वहाँ तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा। जैसे एक शटडाउन हुआ कंप्यूटर, जब हमने बंद किया अगर, तो क्या होगा, जितना डेटा प्राइमरी मेमोरी में होगा वो सब लॉस्ट हो जाएगा, मतलब वो सब ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमको अपने कंप्यूटर में डेटा लाइफ टाइम के लिए अगर सेव रखना है, कि जब तक यूज़र डिलीट ना करे उस डेटा को, वहाँ तक वो फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव रहनी चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या होगा, जब तक यूज़र अपने आप से डिलीट नहीं करेगा डेटा को, फाइल्स को, वहाँ तक डेटा उसमें स्टोर रहेगा। प्राइमरी मेमोरी की जैसा ऑटोमेटिक उसमें डिलीट नहीं होगा, जब भी सिस्टम बंद होगी, सिस्टम स्टार्ट करेगा तो उसमें जो डेटा सेव था पहले से वो डेटा सेव रहेगा, ऐसे के ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। उसमें हमने हार्ड डिस्क देख लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा सीडी रोम। तो सीडी जो है उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने देखी होगी सीडी, इसका यूज भी क्या होगा, कि सीडी में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है पहले से, और उसको आप चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या म्यूजिक के फॉर्म में हो या फोटोज के फॉर्म में हो, तो सीडी का फुल फॉर्म बनेगा कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ने मतलब कि सीडी ने ऑप्टिकल डिस्क पण कहेवामां आवे छे। दूसरा नाम क्या है सीडी का, ऑप्टिकल डिस्क। ते सामान्य रीते 4.75 એટલે કે 4.75 ઇંચ વ્યાસની સપાટી ગોળ અને સરળતાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકાય, એટલે કે સુવાહ્ય, ઇંગ્લિશમાં કહેંગે પોર્ટેબલ, તે પ્રકારનું સંગ્રહ કરવાનું માધ્યમ છે। ઇસમે ક્યા હોગા, ઇસકી જો સાઇઝ હોગી કિતની હોગી, 4.75 ઇંચ, મતલબ એક એક સાઇડ સે લેકર ગોળ હોગી પૂરી, મતલબ કહીં સે ભી એક એક લાઇન પકડ લો ઓર ઉસકે સામને વાલી લાઇન પકડ લો, તો દોનો કે બીચમે ડિફરન્સ કિતના હોગા, તો 4.75 ઇંચ, ઓકે। તે સરળતાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકાય છે, મતલબ ક્યાં હોગા, આપ ઇસકો એક જગ્યાથી દૂસરી જગ્યા ભી લઈ જાના હો તો આપ ઉસકો લઈ જા સકતે હો, ઉસકો બોલેંગે હમ લોગ સુવાહ્ય, મતલબ પોર્ટેબલ, તે પ્રકારનું સંગ્રહ કરવાનું માધ્યમ છે। તમે સંગીતની ઓડિયો સીડી જોઈ હશે, શાબ્દિક માહિતી એટલે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ, ગ્રાફિક્સ, ફોટોસ અને વિડિયો જેવા ડેટા સીડી ઉપર રાખી શકાય છે। સામાન્ય રીતે સીડીમાં 650 MB ડેટા સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા હોય છે। એ IMP ક્વેશ્ચન આપી એક્ઝામ કે લીએ, કે સામાન્ય રીતે સીડીમાં ડેટા સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા એટલે કેપેસિટી કેટલી હોય, તો 650 MB, 650 MB, મેગાબાઇટ, 650 MB કેપેસિટી હોય। આગળ બઢેંગે સીડી મેં, તો હાર્ડ ડિસ્ક કરતા અલગ સીડી એ ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ માધ્યમ છે। અહીં લેઝર લાઇટના પ્રકાશ વડે સ્ટોરેજ મીડિયમ ઉપર ડેટા લખવામાં એટલે કે બર્ન કરવામાં આવે છે। હાર્ડ ડિસ્ક કે ડિફરન્સ ક્યાં છે સીડી કે અંદર, ઇસમે જો ભી ડેટા જો સ્ટોર હોગા સીડી કે ઉપર, वो कैसे होगा, तो लेजर लाइट ना प्रकाश वड़े, लेजर लाइट की जो भी लाइट्स होगी उसके ऊपर वो क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। इसको बोलेंगे डेटा, जिसको मतलब डेटा हम लोग सीडी पर रखेंगे तो उसको बोलेंगे डेटा बर्न करना, BURN, इंग्लिश में कहेंगे डेटा बर्न करना। डिस्क की सपाटी ऊपर पिच एंड लेंथ, लेंथ सॉरी लेस लिखा है, लेंथ ठब थी डेटा लखवामां आवे छे। ऑप्टिकल मीडियम प्रकाश એટલે કે પ્રકાશીય માધ્યમ ઉપરના પીટ્સ કાયમી હોય છે, જો પીટ્સ એન્ડ લેન્સ કા જો યુઝ હોગા ડેટા કો સ્ટોર કરને કે લિયે, ઇસમે જો પીટ્સ હૈ વો ક્યા હૈ, કાયમી હોય છે, મતલબ વો ફિક્સ રહેંગે, ઉસમે આપ ચેન્જીસ નહીં કર સકતે હો। અબ ચેન્જીસ નહીં કર સકતે ઉસકી વજહ સે ક્યા હોગા, આથી ડેટા માં ફેરફાર કરી શકાતો નથી। આપને એક બાર ડેટા કો ઇન્સર્ટ કર દિયા સીડી કે અંદર, તો ઉસકો આપ રિમૂવ કર નહીં સકતે। અભી આગે દેખેંગે જિસમે રિમૂવ કર સકતે વો સીડી કોન સી આયેગી, પર જો સામાન્ય જો કોમન સીડી હોતી ઉસમે ક્યા હોતા, એક બાર આપને ડેટા ઇસમે ઇન્સર્ટ કર દિયા અગર, तो बाद में उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो डेटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आथी डेटा में फेरफार कर सका तो नहीं। ऑप्टिकल मीडिया घणु टकाव हो चुंबकीय मध्यम की जेम डेटा में फेरफार करने की सगवड़ता आपत नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे,
ऑप्टिकल मीडिया जो यानी कि सीधी जो वो क्या घनी टकाव हो चे, बट चुंबकीय माध्यम हमने देखा था हार्ड डिस्क के अंदर, कि हार्ड डिस्क में डेटा जो स्टोर होता है वो चुंबकीय माध्यम के अंदर होता है। तो उसके दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना ही है कि सीडी के अंदर यानी कि ऑप्टिकल मीडिया के अंदर क्या होगा, डेटा में फेरफार करने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। हार्ड डिस्क में आप डेटा में फेरफार कर सकते हो, यानी कि आपने फाइल डिलीट भी कर सकते हो, फाइल को उसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, या अपडेट करना हो उसमें चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हो। त्रण प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क एटले कि सीडी प्रचलित है। अब सीडी में जो आते हैं उसमें टोटल तीन टाइप की सीडी आती है, जो हम लोग जो यूज करते हैं जो मोस्ट कॉमन है, अगर सबसे पहला है उसमें CDROM, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसका मैंने कहा ना अभी कि हम लोग उसमें सिर्फ डेटा एक बार इंसर्ट कर दिया तो उसमें डेटा को आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपने एक बार उसमें कोई फोटो कोई वीडियो डाल दिया अगर, तो उसमें से आप उसको निकाल नहीं सकते, मतलब उसको डिलीट कर नहीं सकते उसमें, तो वो आएगा CDROM। उसके बाद सेकंड आएगा CDR और लास्ट में आएगा CDRW। आमाती सीडी रोम चौथी वधु प्रचलित है, ये भी आई एम टी क्वेश्चन के सीडी में सबसे ज्यादा प्रचलित सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज में कौन सी सीडी है, तो CDROM। सीडी एटले कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ने टूकू रूप है। सीडी रोम में डेटा पहले तीज लखेलो हो, इसमें क्या होगा डेटा आप जहां से भी लोगे, आप जो भी जैसे कि मूवी की आपने सीडी ली गई तो मूवी क्या होती है उसमें पहले से मूवी इंसर्ट होती है। अब उसमें से आपको मूवी वो डिलीट करनी हो तो आप वो डिलीट नहीं कर सकते, वो मूवी उसमें ऐसी की ऐसी रहेगी। उपयोगकर्ता ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिख सके थे। अब अगर यूजर को अगर डेटा लिखना है अगर सीडी के अंदर, यानी ब्लैंक सीडी आपने ले लिया मार्केट से और उसमें आपको जो डेटा अपने हिसाब से इंसर्ट करवाना है, अगर अगर वो सीडी आपको लेनी है तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड टाइप का CDR। तो उसमें क्या होगा, एक खास यूटिलिटी मार्फते सीडी ऊपर एक वक्त डेटा लख्या पछी ते अनेक वक्त वाँची शकाय छे। फर्स्ट जो टॉपिक हमने देखा था CDROM, उसमें क्या होता है आपने जो भी सीडी ली उसमें उसमें पहले से डेटा होगा, जो भी सीडी आपने ली उसमें डेटा पहले से होगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब जो CDR है सेकंड टॉपिक, तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लैंक सीडी आएगी, यानी सीडी में कोई भी डेटा नहीं होगा, आपको जो डेटा उसमें इंसर्ट करना है आप वो डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हो। बट इसमें भी क्या होगा, आपने एक बार इंसर्ट कर दिया डेटा तो उसको आप रिमूव मतलब डिलीट कर नहीं सकते हो। तो सेकंड में देखेंगे तो उपयोगकर्ता ऑप्टिकल डिस्क ऊपर डेटा लखी सके छे, खास यूटिलिटी मार्फत सीडी ऊपर एक वक्त डेटा लख्या पछी ते अनेक वक्त वाँची शकाय छे। आथी आवी सीडी WORM, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। राइट वंस मतलब एक बार लिखो और क्या करना है, रीड मेनी टाइम्स बार बार उसको पढ़ना है। इसमें से आपने एक बार इंसर्ट कर दिया डेटा, अब उसको आप बार बार देख सकते हो खाली, अब उसमें आपको चेंजेस करना है उसको निकालना है तो आप वो निकाल नहीं सकते हो उसकी। आती अभी सीडी ने रीड वंस सॉरी राइट वंस रीड मेनी टाइम्स मतलब WORM तरीके पर ओळखाय छे। आ प्रकारनी सीडी ए सीडी री रीडेबल CDR तरीके ओळखवामां आवे छे। तो ये हो गया सेकंड टाइप। और तीसरा टाइप जो होगा उसमें क्या होगा सीडी का, तो त्रीजा प्रकारनी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा ने भूसी शकाय छे अने तेना ऊपर नवी माहिती लखी शकाय छे। क्या लिखा है, अब तीसरे टाइप की जो सीडी होगी उसमें क्या होगा, उसमें से आप डेटा इंसर्ट करोगे, फिर उसको निकालना हो तो निकाल भी सकते हो, और दोबारा कोई नया डेटा आपको इंसर्ट करना है उसमें तो आपको नया डेटा उसमें ऐड भी कर सकते हो। आ प्रकारनी सीडी ने केटलीक वक्त ईओ एटले कि इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क अथवा तो CDRW सीडी राइटेबल तरीके पर ओळखवामां आवे छे। फर्स्ट टाइप जो था CDROM, उसमें क्या था, उसमें डेटा पहले से इंसर्ट हुआ है आपके पास, उसको आप निकाल भी नहीं सकते, उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। सेकंड टाइप का जो होगा उसमें ब्लैंक सीडी होगी, और ब्लैंक सीडी में आप अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट कर सकते हो, बट इंसर्ट हो गया डेटा एक बार उसको आप निकाल नहीं सकते हो। और लास्ट में जो तीसरा टाइप है सीडी का, उसमें क्या होगा, उसमें आप निकाल भी सकते हो डेटा, और नया डेटा आपको चेंजेस करना है कुछ नया ऐड करना है तो आप वो अपने हिसाब से उसमें ऐड भी कर सकते हो। ये हो गया सीडी। अब तीसरे नंबर पर आएगा डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। IMPA फुल फॉर्म याद रखने आपको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क એટલે કે ડીવીડી નામથી પ્રચલિત છે તે ડેટાના સંગ્રહ માટેનું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ માધ્યમ છે, જેમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વિડિયો અને ઓડિયો ઓડિયો વાળી ફાઇલનો ડેટા પણ રાખી શકાય છે। ક્યાં લખ્યા યહાં પે, અબ સીડી ઓર ડીવીડી દોનો દેખને મે એક જૈસે હી હૈ। અગર આપકો દોનો 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 સીડી યા ડીવીડી દોનો એક એક પીસ આપકે સામને રખ દિયા જાય તો આપકો સમજ મે નહીં આગળ સીડી કોન સા હૈ ડીવીડી કોન સા હૈ। અબ દોનો મે સે ડિફરન્સ ક્યા હૈ, તો ડિફરન્સ દોનો કી સ્ટોરેજ કેપેસિટી ક્યા હૈ। સીડી મે હમને દેખા થા કે 400 સોરી 675 MB का आप डेटा स्टोर कर सकते हो,
सीडी के अंदर, बट जबकि डीवीडी में क्या होगा तो दिखेंगे यहाँ पे। तो डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क में एक समान भौतिक माप जोता सरखी लागे से, मतलब क्या होगा, दोनों देखने में और दोनों की साइज सेम होगी, परंतु तेना ऊपर डेटा नु सांकेतिकरण एटले के एन्कोडिंग उच्च घनता साथे अलग रीते करवामां आवे छे। सामान्य रीते डीवीडी ની સંગ્રહ શક્તિ 4 GB કેટલી હોગી? સામાન્ય રીતે ડીવીડી ની સંગ્રહ શક્તિ 4 GB એટલે કે સીડી કરતા વધારે હોય છે, કેટલી જ્યાદા હોગી? તો 4 GB હોગી ટોટલ, 4 GB और उसमें 650 MB। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूएसबी ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव जो होती है हमारी, वो कैसे काम करेगी, और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है।